केस पहुंचेगा। सर हम जिस दौर माफी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, हम जिस दौर में जिंदा है हम वहाँ देख रहे हैं, मीडिया के ताल्लुक से हम देख रहे हैं, लोगों को देखते हैं, ये हेटेड फैलाने वाला जो ग्रुप है, कहीं कोई एक शख्स एक हरकत करता है और उसी गिरोह में से उनका कोई लॉ मेकर निकलता है और कहीं एक PIL दायर करता है और उसको हिंदुस्तान के दूसरे कोने में बुला लेता है। क्या हमारे यहाँ ऐसे लोग नहीं है या इस कौम के पास ऐसे लोग नहीं है कि जो इस तरह के वाकयात को संज्ञान में लें और जाके अदालतों के दरवाजे खटखटाएं? इसी बात पे आ रहे थे अभी कि अदालत में जब केस पहुंचेगा, इस तरह के केस में कि बकरे पकड़ लिए गए, उनको पकड़ लिया गया, तो ये काम पुलिस से शुरू होगा और अदालत में जाएगा। और जो बात आपने दूसरी की कि हमारा कोई आदमी बयान देता है तो पकड़ लिया जाता है, हमारी किसी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ या चैनल के खिलाफ ये फौरन लोग चले जाते हैं, उसकी दो वजूहात हैं। एक तो बड़े तौर पे, बड़े लेवल पे हमारे यहाँ सोशल सर्विस की कमी हो गई है। आपको साउथ की बात नहीं कर रहा हूँ, साउथ और नॉर्थ को दो मानिए आप अलग अलग। सोशल सर्विस का जज्बा नॉर्थ में तकरीबन ना के बराबर है और सोशल सर्विस करने वाला मुसलमान बेवकूफ़ समझा जाता है, जिसका एक जीता जागता सबूत मैं आपके सामने हूँ। हमारे सामने के लोग कहाँ से कहाँ चले गए पलटिंग, बिल्कुल सही बात बताओ। हर शहर में आपको 10-20 ऐसे मिलेंगे जिनकी जिंदगी बर्बाद हो गई, सलाहियत भी थी लेकिन सोशल वर्क और मिली वर्क की वजह से वो जीरो हो गए, क्योंकि न उनके पास गनर है, न पावर है, न पैसा है। और तीसरी बात क्या है, हमारे यहाँ लॉ की तालीम के ऊपर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। इसीलिए मैंने 7-8 साल से इस बात की कोशिश की है कि अपनी पब्लिक स्पीच में मैं ये कहता हूँ कि हम जिस तरह से डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाते हैं MBAs, उसी तरह से हमको अपने अच्छे बच्चों को भी एक आध लॉ में डालना चाहिए। ये सेगमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें भी भेजिए, क्योंकि इसमें दोनों चीजें, दीन भी है, दुनिया भी है। आप इसमें पैसा भी कमा सकते हैं, स्काई इज द लिमिट, और उसके साथ साथ आप चाहें तो कौम की भी मदद कर सकते हैं और मुल्क की भी, क्योंकि मुल्क को अच्छे वकील की भी जरूरत है, अच्छे जज की भी है। और मैं समझता हूं कि ये बात आनी चाहिए, क्योंकि हर जगह हमारा जरा सा कोई आदमी उभरता है उसको फंसा देते हैं। हमारा कोई अच्छा इदारा होता है, 10 उस पर, जैसे अभी आपने कहा, 10 चीजें उस पर डाल दी जाती है, फंस जाता है। हमारी तरफ से बाबरी मस्जिद में भी पैरवी करने वाले दूसरे लोग, शाहबानों में भी पैरवी करने वाले दूसरे लोग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का केस पेंडिंग इलाहाबाद में था, अब दिल्ली में है माइनॉरिटी कैरेक्टर का, उसमें भी दूसरे लोग। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम लॉ की अहमियत को समझें। हम चूंकि लॉ की अहमियत को नहीं समझ रहे हैं, इस वजह से ना हमारे पास क्वालिफाइड वकला है ना जजेस।